हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बखूबी कार्य किया है। प्रदेश के हर मंत्री, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पर उतरकर बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद की है, जिसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। वहीं हम सरकार से यह मांग भी करते हैं कि सेब सीजन के चलते प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों की सड़कों को भी जल्द दुरुस्त करवाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सेब सीजन के चलते परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये बात हिमाचल किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंदर सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। सो हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो तीन हैं। एक तो ये कि जो इस विपत्ति के समय में जो गांव के रोड्स टूटे हैं, सड़कें खराब हुई हैं, उन सड़कों को दुरुस्त किया जाए। सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जितनी भी एजेंसियां हैं इस काम में लगाई जाएं, क्योंकि हमारा एप्पल का जो सीज़न है वो आ चुका है और बागवान भाई इस समय अपना माल मंडियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हम ये हमने ये पत्र में भी लिखा है और हम सरकार से गुजारिश करते हैं, जो कि आदरणीय PWD मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य सिंह जी ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम कर रहे हैं, परंतु छोटे गांव ना छूट जाएं। हम बस इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सेब का सीज़न है और हम चाहेंगे कि भाई वो छोटी सड़कें जो हैं गाँव की, जो कि लाइफ लाइन है बागवानों के लिए, उनमें एजेंसियों का तैनात करके उनको फटाफट से खोले और ताकि लोग अपना माल जो है वो मंडियों तक लाएं। दूसरी हमारी जो मांग है वो है 2 किलो सेब की कटौती, जो कि हर पेटी में आज लोडर कर रहा है और वो गलत है, वो सरासर गलत है, क्योंकि किसान पहले तो 150 रुपये की पेटी लेता है, उसमें पैकेजिंग करता है, उसके बाद में जब उसको मार्केट में लेके जाता है तो 24 किलो की पेटी का उसको दाम 22 का ही मिल रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि भाई 2 किलो जो है ये सेब ये पेटी का वेट है। अब अगर 2 किलो पेटी का वेट है तो क्या पैकेजिंग का पैसा किसान ने नहीं भरा है? तो या तो किसान को पेटी का जो पैकेजिंग का मटेरियल है उसका पैसा दिया जाए, या फिर वो 2 किलो की जो कटिंग है वो बिल्कुल बंद की जाए, क्योंकि ये सरासर किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है। और इस समय जितने भी सेब बाहुल इलाके हैं वहाँ के किसान इसी किसान बागवान भाई इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनके साथ में खड़ा हो। और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसकी बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस किसान और बागवान भाइयों के साथ में सबसे आगे खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी। हमने ये पत्र में भी लिखा है। तीसरी जो हमारी मांग है वो है कि जो हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान भाई हैं उन्होंने KCC की लिमिट्स बना रखी हैं। हर आदमी ने KCC की लिमिट बना रखी है और उस लिमिट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो सितंबर की आखिरी तारीख को हर बैंक वसूलता है। हम ये राज्यपाल से माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, हम ये गुजारिश करेंगे केंद्र सरकार से कि वो ऐसी नोटिफिकेशन बैंक्स के लिए निकाले कि वो इस साल का हमारा ऋण किसानों के लिए माफ़ करें हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, वी हैड नॉट फॉरकास्टेड दिस एंड वी हैव बीन रेप्रिमेंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। हमारा माल जो है वो मार्केट तक नहीं पहुंच रहा है, सड़कों के हालात बुरे हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है। इस समय हिमाचल प्रदेश की हालत बहुत दयनीय है। हम केंद्र सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जो पैकेज 181 करोड़ 186 करोड़ जो उन्होंने दिया है, इट इज़ नॉट इनफ। 8,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इस समय हुआ है और हम ये केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दी जाए। एंड दिस शुड बी डिक्लेयर्ड एज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिकॉज द रेन्स आर स्टिल अपॉन अस। अभी भी बारिशें ख़त्म हुई नहीं हैं और आगे आने वाले समय में भी 2-4 दिनों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, तो बहुत दयनीय स्थिति है। तो इस लेटर में हमने ये तीन चीज़ें मुख्य तौर पर लिखी है और जो मेमोरेंडम हमने गवर्नर जी के लिए लिखा है उसमें हमने KCC की जो लिमिट्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट की सबवेंशन या एक तरह से रेमिशन की बात की है। आप एक चीज़ सबसे पहले देखिए कि सेब का सीज़न जब शुरू हुआ तो पिछले 6-7 दिनों से बारिशें हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की हो रही थी कि मुझे नहीं लगता आप पत्रकार बंधु भी घर से निकल पाए होंगे, और किसी का भी निकलना बाहर मुख्यमंत्री जी के आदेश से या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के निर्देश से खुद ही बंद था। तो हम इस पर देर से तो नहीं जागे, पहले हम खुद मंडियों में गए, मैं खुद मंडी में गया और मैंने मंडियों में जाकर के जब देखा कि ऐसा हो रहा है, अर्ली वेराइटीज़ अभी इतनी आनी नहीं शुरू हुई है, टाइड मैन की वेराइटी आई है, रेड गोल्डन अभी 5-7 दिन बाद शुरू होना है, तो ये बिल्कुल शुरुआत है। मुझे लगता है ये अभी सिर्फ 2-4% सेब ही मंडियों में आया है।
तो क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत बारिशें थी और इस वजह से हम ये प्रेस वार्ता नहीं कर पाए। हम मुख्यमंत्री जी खुद ग्राउंड पे जा रहे थे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे, हम उनसे नहीं मिल पाते। तो पहले हम ये स्टेप लेते तो ये फ्रूटफुल बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसमें समय लगा है, परंतु अभी बिल्कुल अप्रोप्रिएट समय है और हमने इसमें कोई देर नहीं करी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।